कल पढ़ाए थे लेक्चर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, रिप्रोडक्शन हुआ था, आज भी चैप्टर वही है, ठीक है ना। अब पढ़ा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखो पौधा में होता है और एनिमल में भी होता है ना, दोनों में रिप्रोडक्शन होता है, जनन दोनों में होता है। तो क्लास टेंथ का ही चल रहा है अभी तक। अब उसमें बता रहे थे उस दिन बताए थे क्या, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन बताए थे, जनन किसे कहते हैं, ये सब समझा दिए थे उसमें। अब इसमें देखो सेकेंड लेक्चर में, यहाँ पे लेक्चर सेकेंड है। अब देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होता क्या है, पहला जो होता है पहला प्राथमिक देते हैं किसको, टेस्टिस को देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या बोलते हैं एसेंशियल सेक्स ऑर्गन, या बोलते हैं 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन। 1 डिग्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेस्टिस जो होता है मानव में, टेस्टिस जो होता है पहला इसी का काम है क्या, स्पर्म का निर्माण करना, फॉर्मेशन करना। जब स्पर्म फॉर्मेशन होगा जिसको शुक्राणु बोलते हैं, तब ही बच्चा का विकास होता है, तभी बच्चा पैदा करने का उसको क्षमता होता है, बिना स्पर्म का कोई काम नहीं होगा। यहाँ जो टेस्टिस में से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। जब तक स्पर्म नहीं बनेगा तब तक बच्चा पैदा करने का क्षमता उसको नहीं रहेगा। तो और स्पर्म को इसीलिए, टेस्टिस को इसीलिए क्या माना गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या बोलते हैं एसेंशियल आवश्यक बोलते हैं, या बोलते हैं 1 डिग्री आवश्यक इसलिए नाम दिए गए हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सहायक है, सहायक आवश्यक में बहुत अंतर है। आवश्यक मतलब होना जरूरी ही है, कि ये नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा, क्या समझा। अरे ऊपर चढ़ने के लिए कहीं 2 महल पर चढ़ना है तो सीढ़ी होना चाहिए ना, सीढ़ी कहाँ कैसे चढ़ेगा बताओ, कैसे उतरेगा बताओ, फिर फांगना पड़ेगा तो एक दिन मर जाएगा ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या। तो सीढ़ी है ये, पहला सीढ़ी है ये, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एसेंशियल बोलते हैं, आवश्यक है, होना जरूरी है। दूसरा में देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, सहायक लिखे हैं, होगा तब भी नहीं होगा तब भी, क्या समझा, होगा तब भी नहीं होगा तब भी। अरे सीढ़ी तो है जाने आने जाने वाला, लेकिन अब वाला छत पे चारों बगल जो बनाए हैं ईटा का वो नहीं रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आता है इसमें कौन, मेल में आता है टेस्टिस, और सेकेंड फीमेल में क्या आता है, ओवरी आता है। मेल का ये साइन होता है, मेल का हिंदी नर होता है, और फीमेल का ये साइन होता है, साइन माने चिन्ह ये होता है, ऐसे करो जीरो करो और प्लस मार दो, ये फीमेल हो गया, और मेल का साइन ये होता है, जीरो करो और तीर मार दो, आया समझ में। होता क्या है देखो, ये मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हुआ, टेस्टिस हुआ, और टेस्टिस करता क्या है और ओवरी करता क्या है, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, जो गेमिट का निर्माण करे उसे ही प्राथमिक जननांग या लैंगिक जननांग बोलते हैं। गेमिट मतलब पता है क्या होता है, गेमिट इसका हिंदी होता है युग्मक। जब ये गेमिट बोले तो यहाँ 2 गेमिट आता है, एक मेल का गेमिट होता है, एक फीमेल का गेमिट होता है। जब भी गेमिट बोले तो एक मेल का गेमिट होता है, एक फीमेल का गेमिट होता है। तो मेल गेमिट किसको बोलते हैं पता है, मेल गेमिट बोलते हैं शुक्राणु को, किसको बोलते हैं, शुक्राणु को मेल गेमिट बोलते हैं, और फीमेल गेमिट बोलते हैं किसको, हाँ फीमेल गेमिट किसको बोलते हैं, अंडा को बोलते हैं, समझा। और ये शुक्राणु और अंडा बनता कहाँ है, शुक्राणु बनता है टेस्टिस में, यहाँ पे है, और ओवरी बनता, अंडा कहाँ बनता है, अंडाशय में, अंडाशय देखो यहाँ पे लिखा गया है, समझा। तो ये चीज़, ये फिगर होता क्या है, ये मेल का फिगर है, ये फिगर का नाम है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये होता कहाँ है, यहाँ पे होता है, हाँ समझ में। इसको बोलते उधर ये गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, फीमेल का भी यहीं पे होता है, हाँ समझ में, मेल का भी यहीं होता है, फीमेल का भी यहीं होता है। और ये जो है ये ओवरी, ये जो है ओवरी यहाँ पे लिखा गया है, देखो ओवरी क्या होता है, ओवरी क्या होता है, किसमें आया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आया है, प्राथमिक जनन अंग में आया है कि नहीं,
प्राथमिक उन्हें फर्स्ट होता है, जब एग्जाम देता है तुम लोग तब रिजल्ट आता है ना, क्या करता है उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है ना इस तरह से। तो फर्स्ट, तो फर्स्ट को बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक बोल सकते हैं कि नहीं प्राइमरी, तो वहीं पे हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक जनन अंग। ये नहीं रहेगा, अंडाशय नहीं रहेगा तो अंडा का निर्माण नहीं होगा, जब अंडा का निर्माण नहीं होगा तो निःसंतान होगा वो, उसको बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होगा। क्या समझा? और भी बहुत कारण होता है बच्चा पैदा नहीं करने का क्षमता जो होता है, और भी बहुत कारण होता है वो बाद में बताएंगे। टेस्टिस नहीं रहेगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, जब स्पर्म नहीं बनेगा तो क्या होगा, वही बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रहेगा उसमें। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो गेमिट मतलब युग्मक का निर्माण करे उसे ही प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं या लैंगिक जनन अंग बोलते हैं, या जो लैंगिक हार्मोन का निर्माण करे। लैंगिक हार्मोन पता है क्या होता है? लैंगिक हार्मोन किसको बोलते हैं? स्पर्म और अंडा को ही बोलते हैं, स्पर्म ओवम को ही बोलते हैं लैंगिक हार्मोन। लैंगिक का मतलब क्या होता है? लैंगिक का मतलब होता है लिंग। जब कोई फॉर्म भरेगा तुम, मतलब स्कूल या कॉलेज का फॉर्म जब भरेगा ना, उसमें लिंग लिखा रहता है। लिंग मतलब तुम मेल है कि फीमेल है, क्या समझा? तो मेल है कि फीमेल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लैंगिक हार्मोन का निर्माण करे, यहाँ पे लैंगिक हार्मोन का मतलब क्या हुआ, शुक्राणु या अंडाणु, शुक्राणु या अंडाणु, इसलिए बोलते हैं जो लैंगिक हार्मोन का निर्माण करे। हार्मोन उसी को अंडा को ही बोल रहे हैं और शुक्राणु को ही बोल रहे हैं हार्मोन। आया समझ में? तो ये जो है यहाँ पे फिर से समझ लो, जो गेमिट का निर्माण करे, गेमिट का निर्माण करे उसे क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं। तो गेमिट यही टेस्टिस और ओवरी ही निर्माण करता है, इसको बोल रहे हैं मेल गेमिट स्पर्म को और फीमेल गेमिट इसको बोलते हैं, अंडा को बोलते हैं फीमेल गेमिट। नहीं समझ में आया? ये जब तक नहीं रहेगा टेस्टिस तब तक स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, जब तक स्पर्म का निर्माण नहीं होगा तब तक, वही बात पहले बोल चुके हैं। अब देखो फिर दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या बोलते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन, या बोलते हैं 2 डिग्री। यहाँ पे था 1 डिग्री, यहाँ पे है 2 डिग्री, मतलब फर्स्ट बार प्राथमिक दिए इसको, सेकेंड बार ये। आया समझ में? पहला स्थान इसको दिए थे, किसको, ओवरी को और टेस्टिस को। अब देखो दूसरा स्थान किसको दे रहे हैं, सहायक बोल रहे हैं, क्यों, ये हेल्प सिर्फ हेल्प करता है, स्पर्म जाने का रास्ता सिर्फ देता है, ये सब जो है रास्ता का नाम है, ये सब, ये फिलिपिन ट्यूब यूट्रस विजाइना जो है ये सब रास्ता है, ये सब क्या है, इपिडाडेमिस वास डिफरेंस यूरेथ्रा और पेनिस, ये सब रास्ता है। किसके लिए रास्ता है ये, स्पर्म जाने के लिए ये सब रास्ता है, और अंडा से जब अंडा निकलता है तब ये सब इस रास्ते से यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। आया समझ में? तब ये सब रास्ता का नाम है, लेकिन ये जो है मेन यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से भी उत्पादन हो रहा है। जब उत्पादन होगा तब पहुँचाने वाला तो कोई होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं बताओ? अरे बालू गिट्टी कहाँ से लाता है, जहाँ उत्पादन होता है, फिर वहाँ से लाता है कि वहीं पर रह जाता है, कि लाना पड़ता है कोई चीज़ से, ट्रैक्टर से लाता है, बस से लाता है, ट्रक से लाता है, लाता है कि नहीं? तो वही होता है, जब यहाँ पे स्पर्म टेस्टिस में जब स्पर्म का निर्माण होगा तो रास्ता देता है ये, निर्माण तो बन, यहाँ तो बन चुका है, ये तो टेस्टिस का फिगर है ये, है ना, यहाँ तो स्पर्म बन चुका है, जब स्पर्म बनेगा तो निकलने का रास्ता चाहिए, तो निकलने का रास्ता ये सब देता है, जिसका नाम है फर्स्ट रास्ता का नाम क्या है, पहली बार जब रास्ता मिलता है यहाँ, ये टेस्टिस है देखो तुम्हारा, यहाँ पे जब स्पर्म बनता है इसी का नाम है, इसके ऊपर टेस्टिस के जस्ट ऊपर होगा इपिडाइडेमिस बोलते हैं, टेस्टिस के जस्ट ऊपर होगा इपिडाइडेमिस बोलते हैं जिसको, अधिवृष्ण, अधि मने ऊपर होता है, तो वृष्ण, वृष्ण मने वृष तो है ही, तो वृष्ण के ऊपर है इसलिए अधिवृष्ण बोले हैं, इपिडाइडेमिस बोलते हैं, इपी मने ऊपर होता है, क्या समझा, वृष्ण के ऊपर है इसलिए अधिवृष्ण बोले हैं। और ये देखो इस रास्ते का नाम क्या है, शुक्रवाहक, वास डिफरेंस बोलते हैं, जब यहाँ स्पर्म बनेगा तो इस पहले यहाँ आएगा इपिडाइडेमिस में, फिर कहाँ जाएगा, इस रास्ते से होकर शुक्रवाहक नलिका होते हुए फिर ऐसे होकर निकलते हुए फिर पेनिस से बाहर निकल जाएगा, क्या समझा,
पहला रास्ता मिलता क्या एपिडर्मिस, मेल का है ये, और दूसरा रास्ता कौन सा मिलता है वास डिफरेंस, यहाँ पे वास डिफरेंस दिखा दिए हैं शुक्रवाहक। तीसरा कौन सा मिलता है यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, जिससे पेशाब करता है फीमेल, सॉरी मेल, जिसे मेल पेशाब करता है उस रास्ते को बोलते हैं क्या मूत्र मार्ग, मार्ग में रास्ता होता है तो मूत्र जाने का रास्ता मूत्र मार्ग कहलाता है। नहीं समझ में आया? तो यहाँ से देखो पास पेशाब निकलने का रास्ता हुआ, और जिसे पेशाब करते हैं ना उसी को बोलते हैं पेनिस या शिश्न बोलते हैं, और वो पेशाब वाला रास्ता को क्या बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं। नहीं समझ में आया? पेशाब वाला रास्ता को क्या बोल रहे हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो स्पर्म निकलता है, देखो मेल में क्या होता है पेशाब निकलने का रास्ता भी एक ही होता है और शुक्राणु निकलने का रास्ता भी एक ही होता है, दोनों रास्ता एक ही से निकलता है। क्या समझा? जब ये स्पर्म निकलेगा तो यही रास्ता से निकलेगा, पेशाब भी निकलेगा तो यही रास्ता से निकलेगा, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं निकलता है, दोनों एक साथ कभी नहीं निकलता है। अब देखो ये यूरेथ्रा समझा दिया मूत्र मार्ग कहाँ होता है, जिसे पेशाब, पेशाब वाला रास्ता को मूत्र मार्ग बोलते हैं, उसके बाद लास्ट वाला पेनिस जिसे पेशाब करते हैं उसी को बोलते हैं क्या पेनिस बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं। तो ये मेल किसका हुआ, मेल का हुआ, ये चारों रास्ता है, रास्ता ही नहीं बताओ यहाँ से, तो रास्ता सिर्फ फूट रहा है सब। लेकिन ये टेस्टिस जो था क्या था तुम्हारा, टेस्टिस था तुम्हारा कौन सा ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये बिहार बोर्ड में आता है कि प्राथमिक जनन अंग का नाम होता है टेस्टिस, ओवरी, एपिडर्मिस, कोई ऑप्शन दे देगा तो होगा कौन सा, टेस्टिस या तो ओवरी होगा। अब यहाँ सवाल कैसे देखा, यहाँ पे देखो सवाल कैसे करेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल में कौन, ओवरी होता है, ओवरी में किसका निर्माण होता है अंडा का निर्माण होता है। और देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये चारों ऑर्गन होता है, चारों अंग होता है, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा और पेनिस। अब देखो ये मेल का था चार गो रास्ता और ये फीमेल का रास्ता है, हाँ देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोनों में लिया गया है, एक मेल का एक फीमेल का, तो ये मेल का चित्र था ये सब बता दिए हैं। और फीमेल में देखो, फीमेल में देखो, फीमेल फर्स्ट नलिका का नाम क्या है फेलोपियन नलिका, अभी समझा रहे हैं क्या क्या होता है सब। उसके बाद दूसरा है यूट्रस गर्भाशय जिसमें बच्चा का विकास होता है, गर्भ मने होता है क्या, गर्भ मने शिशु होता है, सय मने जगह होता है, तो जहाँ बच्चा का विकास होता है उसको गर्भाशय बोलते हैं। तीसरा क्या है विजायना, योनि जिसको बोलते हैं। अब देखो ये भी कहाँ रहता है ये फिगर का नाम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये भी कहाँ रहता है जस्ट एब्डोमिनल कैविटी के पास, यहाँ पे बोल दिए हैं इसके आसपास रहता है। अब देखो ये गर्भाशय तुम्हारा हो गया, तो गर्भाशय कौन सा ऑर्गन है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वेजाना कौन सा ऑर्गन है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में, फेलोपियन ट्यूब कौन सा ऑर्गन है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में। अब देखो यहाँ पे ये अंडाशय, अंडाशय में अंडा होता है, यहाँ पर हर महीना 12 साल के बाद यौनावस्था चला आता है, किशोरावस्था जिसको बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं, एडल्ट फेज बोलते हैं, उसके बाद जो है अंडा बनना स्टार्ट हो जाता है अंडाशय में, और हर महीने एक अंडा निकलना शुरू हो जाता है, निकलते रहता है। और इसी का नाम क्या है अंडाशय, अंडाशय क्या बोले हैं, सय माने जगह होता है, अंडा जहाँ अंडा रहता है अंडाशय कहलाता है, इसी अंडाशय में ही अंडा रहता है। जब यहाँ से अंडा निकलता है तब फेलोपियन ट्यूब नलिका, फेलोपियन नलिका से जाता है, फिर इसी के पास रहता है क्या, इसी के आसपास निषेचन होता है अंडा का स्पर्म से। अंडाशय खत्म हो गया तुम्हारा, अंडाशय कौन सा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसके बाद फेलोपियन नली का कौन सा ऑर्गन है, अरे फेलोपियन नली का कौन सा ऑर्गन है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वजाना कौन सा ऑर्गन है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये तीनों जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल, फीमेल का होता है ये तीनों। ये रहेगा तभी ये रहेगा, आया समझ में, क्योंकि जहाँ से प्रोडक्शन होता है वहाँ से तो प्रोडक्शन हो रहा है, फिर लाने वाला रास्ता चाहिए, तो रास्ता ये सब देता है। देखो ये रहेगा, ये मतलब अंडाशय, यहाँ पे अंडाशय कौन सा ऑर्गन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये रहेगा मतलब यहाँ से जब अंडा निकलेगा तो रास्ता चाहिए जाने वाला भाई कोई, तो रास्ता पहला देता है कौन सा फेलोपियन नली का,
आया समझ में? ये फिलोपियन का रास्ता हो गया, ये दोनों तरफ होता है, अंडाशय दोनों तरफ होता है, फिलोपियन का भी दोनों तरफ होता है, इसी को बोलते हैं गोनाड, इसी को बोलते हैं गोनाड, इसको भी बोलते हैं गोनाड। तुम्हारा जनन जनन तंत्र जो है गोनाड कहलाता है, तुम्हारे बुक में है, 10th के बुक में आया समझ में? तो यहाँ तक क्लियर है?